सो हेलो गाइस, सुखा ना मत करने वाले हमारी बहुत बड़ी कोलेब्रेशन के बारे में। और गाइस यहाँ पे आपको बता दूँ, फ्री फायर BTS से कोलेब्रेशन करने जा रहा है, जहाँ पे आपको कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा BTS के कोई मेंबर का। और गाइस आपको पता होगा कि BTS कौन है, क्योंकि भाई इंडिया में BTS बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब BTS की बहुत ज़्यादा दीवानी है लड़कियाँ। तो गाइस चलो मैं आपको सब बता देता हूँ कैसे क्या है, मतलब कोलेब्रेशन होगी। तो गाइस वीडियो को पूरी देखना और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलो यार शुरू करते हैं। गाइज आपको पता होगा कि हमारे गेम में लग गया मार्च एलेट पास का प्री ऑर्डर। तो गाइज चलो मैं आपको मार्च का एलेट पास दिखा देता हूँ, और गाइज उसके बाद हम लोग बात करेंगे BTS की कोलेब्रेशन के बारे में। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्च का एलेट पास कुछ ऐसा रखा गया, जो कि मतलब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैंने बहुत मतलब फास्ट क्वालिटी रखी है वीडियो की। तो गाइज आप लोग देख लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोलेब्रेशन के बारे में। तो गाइज आप लोग कौन बताना कि आप लोग ने मतलब फरवरी का एलेट पास लिया कि नहीं, क्योंकि भाई इस बार फरवरी के एलेट पास में हम लोग को डिस्काउंट नहीं मिला था। तो गाइज आपको 499 में खरीदना पड़ेगा। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक ठाक एलेट पास रखा गया, फीमेल बंडल मतलब ठीक ठाक रखा गया। और गाइज मैं आपको बता दूँ, ऐसे बंडल बहुत बार हमारे गेम में आ चुके हैं। तो गाइस आप लोग देख लो, मतलब हमारा यही एलेट पास होगा मार्च का। और गाइस मतलब गरना के पास अब ऑप्शन ही कम हो गए, तो गाइस वही रिसाइकल करके हम लोग को दे देते हैं आइटम्स। और गाइस देख लो काफी ठीक ठाक, मतलब उतना मैं खास नहीं कहूंगा, लेकिन गाइस एलेट पास मतलब रखा गया। आपको मैं बता दूं, एलेट पास सारे लेने वाले रहते हैं, क्योंकि यार 499 डायमंड में आपको बंडल और गाइस बहुत सारी चीज मिल जाती है। आपको मतलब एक एवोल्यूशन स्टोन भी मिल जाता है, बैकपैक वैकपैक सब आपको मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे गरना वाले खुद लिखते हैं कि 10,000 के यहाँ पे मतलब डायमंड के यहाँ पे कॉस्ट रखे जाते हैं एलेट पास में। और गाइस आप लोग देख लो, एलेट पास कुछ हमारा ऐसा बनाया गया है। गाइस आपको एलेट पास कैसा लगा कौन बता देना। और गाइस यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक लगा, यहाँ पे दोनों बंडल नहीं अच्छे बनाए गए हैं। तो गाइस आप लोग कौन बताना, आप लोग इस वाले एलेट पास को लोगे या नहीं, और गाइस आपने प्री ऑर्डर किया नहीं एलेट पास का, ये भी आप लोग कौन में बता देना। गाइस चलो हम लोग बात करते हैं हमारी BTS कोलैबोरेशन के बारे में। तो गाइस चलो मैं आपको सब दिखा देता हूँ कि क्या क्या निकल के आ रहा है, और गाइस उसके बाद बात करेंगे कब ये इवेंट स्टार्ट होगा हमारा BTS कोलैबोरेशन का। अभी कोलैबोरेशन के बारे में कोई लीक निकल के नहीं आई है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, एक ऑफिशियली पोस्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है, जिसमें यहाँ पे 7 मेंबर्स खड़े हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, BTS में भी 7 मेंबर हैं। और गाइस आप लोग खुद ही देख लो, अगर आप लोग BTS को अच्छे से जानते हो तो आप लोग पहचान लोगे कि ये BTS है। और गाइस लड़कियां तो बहुत मतलब अच्छे से जान जाएंगी कि ये BTS ही है। और गाइस मैं आपको बता दूं, BTS से ही कोलैबोरेशन होगी, क्योंकि भाई आपको पता होगा बहुत बड़ी कोलैबोरेशन कर चुका है। तो गाइस आपको पता होगा कि BTS से भी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस आप लोग खुद ही सोचो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर से भी उसने कोलैबोरेशन कर ली। तो गाइस आप लोग खुद ही सोचो कि BTS क्या है। तो गाइस आप लोग कौन बताना कि आपको BTS अच्छे लगते हैं नहीं, मैं मतलब गाने नहीं सुनते यार, लेकिन हाँ ठीक ठाक लगते हैं। तो गाइस आप लोग कौन बताना कि BTS के फैन हो या नहीं, और गाइस आप लोग कौन बताना कि आप लोग इस कोलैबोरेशन को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं। इस कोलैबोरेशन के बारे में और अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस यही थी वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।